तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं रूबिक्स क्यूब में इंडिया फ्लैग वाला पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्लू कलर आपके फ्रंट फेस में रख देना है, फ्रंट साइज में, और ध्यान रखना कि आपका जो वाइट कलर है वो आपके ऊपर के साइड में रहना चाहिए, ऊपर के साइड में वाइट कलर। और आपका जो ये ब्लू का ऊपर की लाइन है उसको आप एक बार राइट साइड टर्न कर दीजिए ऐसे, और जो नीचे की ब्लू लाइन है उसको आप दो बार राइट साइड टर्न कर दीजिए, 1 2 ऐसे। फिर आपको ये जो ऑरेंज ब्लू और ग्रीन की लाइन है उसको आप नीचे कर दीजिए, और जो ये वाइट वाइट और वाइट ये वाइट ब्लू और ब्लू की लाइन है उसको आप टर्न कर दीजिए अपने राइट साइड। फिर आप अपने वाइट रेड और वाइट को टर्न कर दीजिए ऊपर, और आपका ये जो ब्लू ऑरेंज और ग्रीन के लाइन है उसको आप टर्न कर दीजिए लेफ्ट साइड। फिर आप अपने ग्रीन ब्लू और ऑरेंज की लाइन है उसको ये लेफ्ट साइड की ग्रीन ब्लू ऑरेंज की लाइन है उसको आप नीचे कर दीजिए, और ये जो वाइट ब्लू और वाइट की लाइन है उसको आप टर्न कर दीजिए लेफ्ट साइड। फिर आपका ये जो ये वाइट ऑरेंज और वाइट की लाइन है उसको आप ऊपर कर दीजिए, और ब्लू रेड और ब्लू की लाइन है उसको आप टर्न कर दीजिए राइट साइड। तो ये आपका इंडिया फ्लैग का पैटर्न शेप रेडी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको ऐसे ही और पैटर्न्स क्यूब के, रूबिक्स क्यूब के पैटर्न्स और देखने हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। सो बाय।